रैंकिंग और ऑर्डरिंग का 6 मॉडल डिस्कस करते हैं, जहां पर हम पर्सन्स की एक्सट्रीम पोजीशंस को चेक करेंगे और जो उनकी हाइट और वेट पर बेस्ड होगी। इससे रिलेटेड एग्जांपल है यहां पे, राघव इज टॉलर देन अमित बट शॉर्टर देन शालू, केशव इज टॉलर देन पूजा बट शॉर्टर देन अमित, ध्रुव इज टॉलर देन केशव बट शॉर्टर देन शालू, हु इज अमंग देम इज टॉलेस्ट। ठीक है, स्टेटमेंट्स है दिए हैं यहाँ पर और हमें बताना है कि इनमें से टॉलेस्ट पर्सन कौन सा है। तो अगर हम फर्स्ट स्टेटमेंट को देखें तो राघव इज टॉलर देन अमित बट शॉर्टर देन शालू। राघव इज टॉलर देन अमित, तो राघव इज टॉलेस्ट देन अमित। ठीक है, राघव इज ग्रेटर देन अमित, ठीक है, तो आर इज ग्रेटर देन ए बट शॉर्टर देन शालू, यानी कि जो राघव है वो शॉर्टर है शालू से। ठीक है, तो राघव इज लेस देन शालू, है ना, राघव इज टॉलर देन अमित बट शॉर्टर देन शालू, बट मीन्स जो फर्स्ट पर्सन है। ठीक है, तो राघव इज शॉर्टर देन शालू, तो राघव इज शॉर्टर देन शालू। ठीक है, तो शालू ग्रेटर देन राघव, ग्रेटर देन अमित, फर्स्ट स्टेटमेंट। सेकेंड स्टेटमेंट में केशव इज टॉलर देन पूजा। अब इन तीनों पर्सन में ना तो कोई केशव है ना ही पूजा है, तो केशव इज टॉलर देन पूजा बट शॉर्टर देन अमित। ठीक है, बट यानी कि केशव इज शॉर्टर देन अमित, तो हम यहां पर कह सकते हैं अमित ग्रेटर देन केशव ग्रेटर देन पूजा। ठीक है, नेक्स्ट स्टेटमेंट है ध्रुव इज टॉलर देन केशव बट शॉर्टर देन शालू। ध्रुव टॉलर देन केशव बट शॉर्टर देन शालू। ध्रुव जो है वो केशव से बड़ा है लेकिन शालू से छोटा है, तो जो ध्रुव की पोजीशन होगी वो इन यहाँ पर कहीं होगी, हो सकता है शालू के बाद हो, राघव से पहले हो, या अमित से पहले हो, ठीक है, या अमित के बाद हो, तो यहाँ पर कहीं जो है ध्रुव की पोजीशन होगी। तो ये हमारे पास एक सीक्वेंस है कि हमें टॉलेस्ट पर्सन पता है, सेकंड टॉलेस्ट, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ, और यहाँ पर कहीं यहाँ पर डी ध्रुव है वो भी आएगा, लेकिन हमें ये कंफर्म है कि जो डी है वो टॉलेस्ट पर्सन नहीं है। ठीक है, क्योंकि वो शालू से शॉर्टेस्ट है और केशव से टॉलेस्ट है। ठीक है, तो शालू और केशव के बीच में तो हमें ये कंफर्म है कि टॉलेस्ट पर्सन नहीं है, और हमें बताना है कि टॉलेस्ट पर्सन कौन सा है। तो जो सीमा है ये टॉलेस्ट पर्सन है, ठीक है, और पूजा जो है ये स्मॉलेस्ट पर्सन है, तो यहाँ पर आंसर होगा हमारा शालू। स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर अरेंज किया कि टॉलेस्ट और स्मॉलेस्ट पर्सन कौन से हैं। हम इस क्वेश्चन को इस तरह से टाइम वेस्ट ना करके हम इसे स्मार्ट वे से भी कर सकते हैं। वो तरीका क्या है कि हम सिर्फ स्टेटमेंट को रीड आउट करें और देखें कि टॉलेस्ट पर्सन कौन है। अब ये बात तो क्लियर है यहाँ पर कि हमें टॉलेस्ट पर्सन फाइंड आउट करना है, तो जो शॉर्टेस्ट पर्सन होगा किसी दूसरे से तो ऑब्वियस है कि वो टॉलेस्ट पर्सन तो होगा नहीं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। राघव इज टॉलर देन अमित। अब राघव इज टॉलर देन अमित है तो ऑब्वियस है कि अमित जो है वो शॉर्टेस्ट पर्सन है राघव से। ठीक है, तो यहां पर जो अमित है वो कट कर दिया हमने, क्योंकि जो अमित है वो शॉर्टेस्ट है राघव से। इसके बाद राघव इज टॉलर देन अमित बट शॉर्टर देन शालू। राघव इज टॉलर देन अमित बट शॉर्टर देन शालू। अब अमित यहां से कट हो चुका है क्योंकि वो शॉर्टेस्ट पर्सन है, तो राघव इज शॉर्टर देन शालू। अब राघव इज शॉर्टर देन शालू तो ऑब्वियस है कि राघव भी यहां पर टॉलेस्ट पर्सन नहीं है, तो राघव भी यहां पर कैंसिल है। ठीक है, नेक्स्ट स्टेटमेंट में केशव इज टॉलर देन पूजा। ठीक है, अब केशव इज टॉलर देन पूजा, यानी कि पूजा इज शॉर्टर देन केशव। ठीक है, तो यहां पर पूजा भी टॉलेस्ट पर्सन नहीं है।
बट शॉर्टर देन अमित। अब केशव की बात हो रही है, केशव इज शॉर्टर देन अमित। अब केशव भी यहाँ पर टॉलेस्ट पर्सन नहीं है क्योंकि वो अमित से भी शॉर्टेस्ट है, ठीक है। और अमित को हम पहले ही कट कर चुके हैं। नेक्स्ट स्टेटमेंट है ध्रुव इज टॉलेस्ट देन केशव। ध्रुव इज टॉलर देन केशव, तो केशव तो यहाँ पर शॉर्टेस्ट पर्सन है, हम पहले कट कर चुके हैं, ठीक है। ध्रुव इज शॉर्टर देन शालू, तो ध्रुव अब शॉर्टेस्ट पर्सन है शालू से, तो ध्रुव भी यहाँ पर कट हुआ, तो यहाँ पर एक ही पर्सन बचा जो कि है शालू। तो हम कह सकते हैं कि जो टॉलेस्ट पर्सन है वो है यहाँ पर शालू। तो आप भी सिर्फ ये ध्यान रखिए कि पॉइंट क्वेश्चन में हमें टॉलेस्ट पर्सन पूछा गया है तो हम शॉर्टर पर्सन को आउट करेंगे, और अगर शॉर्टेस्ट पर्सन पूछा गया तो हम टॉलेस्ट यहाँ से आउट करेंगे, ठीक है। तो आप इस तरह से क्वेश्चन को 5 या 10 सेकंड में ही सॉल्व कर सकते हो। तो ये था टॉपिक रैंकिंग और ऑर्डरिंग से रिलेटेड। इस पर आप अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए ताकि आप अपने क्वेश्चन को कुछ ही समय में सॉल्व कर सके। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।